एक विवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। मृतका के घर वालों ने आशनाई के फेर में उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि मृतका के घर वाले जब ससुराल पहुंचे तो वहां उन्हें शव नहीं मिला। शव को आनन फानन में वहां से हटा दिया गया। मामला थान गांव थाना इलाके का है। आरोपों के घेरे में थान गांव पुलिस भी है। मृतका के माता पिता ने थान गांव पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हालांकि थान गांव थाना प्रभारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। दरअसल मिश्रीलाल पुत्र रामदास निवासी दयाराम पुरवा मजरा धमौरा थाना थानगांव ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसने अपनी बेटी पुष्पा की शादी करीब 13 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कमलेश पुत्र नंदगांव निवासी राधेपुर व मजरा बच मरिया थाना थानगांव से कर दी थी। शादी के 13 साल बीत जाने के बावजूद भी दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस कारण पति कमलेश आए दिन पत्नी पुष्पा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। करीब 3 माह से लगातार पति कमलेश किसी अन्य युवती से शादी करने की बात कर रहा था। मृतका के पिता ने बताया कि 12 जुलाई शाम लगभग 5 बजे सूचना मिली कि पुष्पा का निधन हो गया। मृतका के पिता मिश्रीलाल ने आरोप लगाया कि सूचना मिलने पर जब हम लोग लड़की के घर पहुंचे तो वहां शव नहीं था। थानगांव थाने के सिपाही मौके पर मौजूद थे। हम लोगों के बार बार पूछने के बावजूद भी बेटी की शव की जानकारी नहीं दी गई। पिता का आरोप है कि बेटी पुष्पा की हत्या दामाद कमलेश ने की है। शव को जल्दबाजी में हटा दिया गया। वहीं थाना प्रभारी थानगांव अरविंद पांडे ने बताया कि ससुराल पक्ष की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी, जबकि मृतका के माता पिता थानगांव पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। तो बिटवा के शादी कह रहा तो अब जो है 13 साल शादी हो गई हैं और ये नेहरू के साथ में कोई फंस गए। हमें लड़की के यहाँ मार्डरिंग है, लड़की की मार्डरिंग है तो हम लोग गए 9 बजे रात में। यहाँ पता मिला जब प्रधान फोन के साथ गए 9 बजे तो वहाँ हमको लहाज मिली और लहाज मिल गए। दरोगा जी गए, दरोगा जी जब गए तो हम चले आन थाने गए हैं। तो रात में दरोगा जी और प्रधान मिलकर के लाश गायब कर दें हमें लड़की की। अब लड़की की हमारी लाश नहीं मिल रही है। अब न रिपोर्ट साहब ली जा रही है, ना कुछ हो रही है और सुनवाई हमारे हो नहीं रही है। और ना कोई बता रहा है, ना पुलिस बता रहा है, ना कप्तान कोई बता रहा है। तो हम क्या करिए। क्या नाम है आपका? मिश्री लाल। कहाँ रहने वाले हैं? कायमपुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।